तो इंडस्ट्री में जब प्रोसेस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है और कोल्ड वाटर चाहिए होता है, तो या तो कूलिंग टावर का यूज़ होता है या चिलर का यूज़ होता है। बट कहाँ पे कूलिंग टावर यूज़ करना है और कहाँ पे चिलर यूज़ करना है या किस एप्लीकेशन में कौन सा प्रोडक्ट सूट होगा, इसके लिए आपको चाहिए टेक्निकल एडवाइस। तो आज का टॉपिक हम उस पर बना रहे हैं कि कूलिंग टावर या चिलर दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो डिफरेंसेस ये हैं कि जब भी कूलिंग कोल्ड वाटर आपको चाहिए है और कूलिंग टावर के थ्रू देते हैं आप अगर उसको, तो वो एनवायरमेंट टेम्परेचर जो आपका बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, एक WBT टेम्परेचर होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग ही वो उस पानी को ठंडा कर पाता है। जितना वेट बल्ब टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग वो डाउन करेगा। तो वो डिपेंडिंग होता है एम्बिएंट पे, एम्बिएंट ज़्यादा है कम है, ह्यूमिडिटी कम है ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग वो वाटर का टेम्परेचर कम ज़्यादा करता है। वहीं चिलर एक फोर्स एप्लीकेशन होती है जहाँ पे रेफ्रिजरेंट के थ्रू, मतलब एक फोर्स एडिशनल के थ्रू, एडिशनल पावर के थ्रू हम वाटर को चिल्ड करते हैं। तो जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट 25 डिग्री के आसपास या 28, 30, 35, 32, 40 डिग्री के आसपास ही होती है, वहाँ कूलिंग टावर परफेक्टली काम करता है। लेकिन जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट 5-10 डिग्री होता है, आपका 0 डिग्री होता है, माइनस में जाना होता है, या प्लस में आपका 10-12 डिग्री 15 डिग्री के आसपास ही होता है, तो वहाँ पे आपको चिलर का रिक्वायरमेंट यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे केवल चिलर है जो रेफ्रिजरेंट के थ्रू आपका वाटर आपके डिजायर टेम्परेचर पे लेके आता है। और उसके अलावा भी किस जगह पे आपका हीट लोड कितना है, आपका वाटर का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, आपका प्रैक्टिकली आप प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या प्रोसेस एप्लीकेशन में आपको वाटर चिल चाहिए, तो आपका डेल्टा टी प्लस उसका यूजेज, उसका यूजेज प्लस उसका फ्लो रेट के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन निकलती है उसके अकॉर्डिंग हमें चिलर कूलिंग टावर सिलेक्शन करने पड़ते हैं। फॉर मोर डिटेल्स, अगर आपको ऐसे कोई भी हेल्प चाहिए जहाँ पे आपको टेक्निकल टर्म्स में मशीन सिलेक्शन करना हो या मशीन की कोटेशन चाहिए हो या आपको कितना टन आपके यहाँ पे लगना चाहिए और क्या सही सजेस्टेड होगा, क्या आपके बजट में काम करेगा और क्या आपके टेक्निकल फुलफिल करेगा, अगर ये हेल्प चाहिए तो अक्रॉस इंजीटेक, मैं मोहित शर्मा फाउंडर डायरेक्टर ऑफ अक्रॉस इंजीटेक, आपके पास अवेलेबल है। आप हमसे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए इसके लिए।